दोस्तों क्या होगा अगर आप एक टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो जाते हो और वो टाइम मशीन पास्ट में जा सकती है। आप उस टाइम मशीन को लेते हो और अपने दादाजी के बचपन वाले समय में चले जाते हो और आपको एक मस्ती सूझती है और आप अपने दादाजी का मर्डर कर देते हो। तो फिर यहाँ पे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन बनता है कि अगर अब आपके दादाजी जिंदा नहीं है तो आपके पापा का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा और आपके पापा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो आपका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एग्जिस्ट करते ही नहीं हो तो आपने अपने दादाजी को फ्यूचर से आके कैसे मारा। इसी कठिन से सवाल को हम कहते हैं टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट काफी कंफ्यूजिंग है, इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट का सलूशन कुछ इस तरह से दिया है कि जब आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को मारोगे तो वो इवेंट आपके एक्चुअल यूनिवर्स में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, क्योंकि आप टाइम ट्रेवल के थ्रू जब पास्ट में जाओगे आप अपने सेम यूनिवर्स में नहीं बल्कि अपने यूनिवर्स के जैसा दिखने वाले दूसरे यूनिवर्स में होगे और उस यूनिवर्स में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपके यूनिवर्स में कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे।